पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ जारी तनाव के बीच चीन की विस्तारवादी नीति एक बार फिर दुनिया के सामने आ गई है। आपको बता दें कि चीन ने अब पड़ोसी नेपाल की जमीन पर कब्जा कर उस पर अवैध रूप से 9 बिल्डिंग खड़ी कर दी है और मामला सामने आने के बाद अब नेपाल में चीन का विरोध शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने नेपाल सरकार से जानकारी लिए बगैर उसके सीमावर्ती हुमला डिस्ट्रिक्ट में घुसकर जमीन पर कब्जा किया है। 9 बिल्डिंग बनाने के बाद अब वो इसे अपनी जमीन बता रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने अब नेपाली नागरिकों को इस पूरे इलाके में घुसने से भी रोक लगा दी है। इस मामले में लपचा के सरपंच के मुताबिक वे सीमावर्ती इलाके में घूमने के लिए निकले थे, लेकिन चीनी सैनिकों ने लिमी गांव में उन्हें घुसने से रोक दिया। उन्होंने अपने मोबाइल से चीनी निर्माण की तस्वीरें भी खींची। बता दें कि चीन की सेना नेपाल की सीमा के 2 किलोमीटर अंदर तक आ पहुंची है। स्थानीय जन प्रतिनिधियों ने बताया है कि पिछले साल जब चीनी पक्ष की तरफ से लिमी और लपचा के बीच सड़कों का निर्माण किया जा रहा था, उस वक्त सिर्फ 3 भवनों का आधार खड़ा किया गया था, लेकिन बाद में नेपाल के विरोध करने के बाद उस निर्माण को बंद कर दिया गया, लेकिन फिर से यहां काम शुरू कर 9 इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने नेपाली क्षेत्र पर कब्जा किया है। इसे 2 महीने पहले उसने नेपाल के गोरखा जिले में रुई गांव पर कब्जा कर लिया था। वहीं हाल में आई नेपाल के कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने कम से कम 11 जगहों पर नदियों का रास्ता बदलकर उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।